हेलो माय सोल फैमिली, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑरा हीलिंग सेंटर पर। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि फुल मून एनर्जीज का क्या इम्पैक्ट पड़ा है आपके पर्सन की एनर्जीज पर, आपको लेके एंड इस रिलेशनशिप को लेके। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आगे आने वाले हर एक वीडियो को आप देखें, वहाँ से आपको अच्छे गाइडेंस ही मिले। चलिए शुरू करते हैं। भगवान जी प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है फुल मून की एनर्जीज का इस रिलेशनशिप को लेके एंड इनके पार्टनर को लेके। कंडीशनिंग एडवेंचर, ऑल राइट, लेजीनेस, गाइडेंस, हार्मनी, अंडरस्टैंडिंग, मोमेंट टू मोमेंट, आइसोलेशन, टोटैलिटी, करेज, न्यू विजन। इंटरेस्टिंग। ओके, एट ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, टू ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, स्ट्रेंथ, सेवन ऑफ स्वॉर्ड, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, वाह, द चैरियट, सिक्स ऑफ कप्स। देखिए, मुझे लगता है कि जो आपके पर्सन, डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं आपके सोलमेट हो सकते हैं, पास्ट बर्थ से आपके साथ कनेक्टेड है, बहुत नॉस्टैल्जिक है आपको लेके, एंड कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग पास्ट की एनर्जी आ रही है। मुझे लगता है आप लोग, आप दोनों का पास्ट काफ़ी अच्छा रहा होगा, मे बी इस जन्म में या फिर पिछले जन्म में, समथिंग लाइक दैट। ओके, यहाँ पर जो चीज़ मैं देख पा रही हूँ ना, आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। मे बी शायद एक कनेक्शन कुछ इस तरह का है कि बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है इस कनेक्शन को आगे ले जाने के लिए। ठीक है, आपके पर्सन अपने आप को बहुत बंधा हुआ पाते हैं, आपके पर्सन पूरे एक्चुअली ना एक तरह के कोहरे में, बोलते ना कि कन्फ्यूजन में है, इल्यूजन में है। उन्हें नहीं समझ में आ रहा इस रिलेशनशिप से कनेक्टेड, उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि इस रिलेशनशिप में आगे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा अपने आप को बंधा हुआ पा रहे हैं। एक्चुअल में ये उनकी सिचुएशन भी हो सकती है। अभी ये हो सकता है कि देखिए वो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक हो, उनकी लाइफ में बहुत बुरे तरीके से स्टक हो, तो आपके पर्सन की कुछ कंडीशन है उनकी लाइफ में जिसकी वजह से वो स्टक है और आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन रेडी हुए हैं आपसे बात करने के लिए। आपके पर्सन आपके साथ फास्ट कम्युनिकेशन चाहते हैं, आपके पर्सन आपके साथ प्रोग्रेस चाहते हैं, आपके पर्सन आपके बारे में सोचते बहुत है, तभी इतने सारे कार्ड्स आए हैं, एंड दैट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मीनिंग। आपके पर्सन को लगता है कि ये जो रिलेशनशिप है ना, काफ़ी एडवेंचरस रहने वाला है या फिर काफ़ी एडवेंचरस होने वाला है, एंड आपके पर्सन फील करते हैं कि इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अबंडेंस है। वही मुझे वाइब आ रही कि आप दोनों मिलकर कुछ क्रिएट कर सकते हो, एल्स कुछ केसेस में डेफिनेटली आप लोग का अच्छा फैमिली बन सकता है, आप लोग की शादी हो सकती है, आप लोग सेटल डाउन हो सकते हो, या फिर उन्हें आप बहुत एडवेंचरस लगते हो, या फिर आप दोनों ही बहुत एडवेंचरस हो, लेकिन ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ है, तो इसलिए शायद आप दोनों एक दूसरे के बारे में ज़्यादा समझते नहीं हो, सोचते नहीं हो। देखिए, आपके पर्सन आपको लेके पैशनेट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपके पर्सन ना बहुत स्लो मूविंग है, आपके पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, आपके पर्सन देखिए बहुत आलस में पड़े हुए हैं, अभी भी आलस में ही है, और उस वजह से उनको देखिए एंग्जाइटी कितनी हो रही, क्योंकि वो आपकी तरफ कोई एक्शन ले नहीं रहे हैं या फिर ले नहीं पा रहे हैं उनकी मजबूरी की वजह से, एंड उस चीज को लेके उन्हें बहुत ज्यादा हैवी एंग्जाइटी है। लेकिन आपके पर्सन यू नो आपके डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं,
या फिर आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने हिसाब से चलना या फिर चलाना चाहते हैं, जितना मैं समझ पा रही हूँ आपके पर्सन को। अब क्या लगता है कि अब आप काफी इस एनर्जी में हो कि अगर वो आपके पास आएंगे तो शायद आपके पास या तो बहुत सारे सवाल होंगे, या फिर ये हो सकता है कि अब आपको उनसे शायद बहस करनी हो, या फिर अब आपको सारे सवालों का जवाब चाहिए, या फिर अब आपको बहुत सारी क्लैरिटी चाहिए। अब आप इस एनर्जी में हो, आपके पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं, आपके पर्सन एक्चुअली अपने अंदर की आवाज़ बहुत ज़्यादा सुनते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है। ये हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा एनालिटिकल थिंकर हो, वो हर एक चीज़ों को बहुत अच्छे से एनालाइज करते हो, बहुत ज़्यादा मुझे एक्शन नॉट एक्शन बहुत ज्यादा रिएक्शन ओरिएंटेड तो नहीं लग रहे कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा रिएक्शन देते हैं। कहीं ना कहीं मुझे वो बहुत हद तक शांत लग रहे हैं, बट उन्हें गाइडेंस यही मिल रही है, उन्हें अंदर से यही फील हो रहा है कि अब आप इस एनर्जी में हो, पहले मेरे सवालों का जवाब दो, पहले मेरी बात सुनो, पहले मुझे पूरी क्लैरिटी दो, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। अब ये आपकी एनर्जी है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है। देखिए आपके पर्सन आपके बगैर अपनी लाइफ में जगल तो बहुत कर रहे हैं। देखिए उन्हें समझ तो आ गया है कि उनके दिल और दिमाग में सिंक्रोनिसिटी आ चुकी है कि जब तक आप लोगों का यूनियन या फिर रीयूनियन नहीं होगा तब तक उन्हें शांति नहीं मिलेगी, तब तक वो जगल ही करते रहेंगे। अब भी आपके पर्सन जगल कर रहे हैं, मुझे लगता है आपके पर्सन आपको अप्रोच करना चाहते हैं या फिर आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन ये जगलिंग वाली स्टेज है। हो सकता है स्ट्रेंथ की कमी हो, करेज की कमी हो, या फिर आपके सवालों से डरते हो। और ये भी हो सकता है कि देखिए आपने जिस हिसाब से अपनी एनर्जी पहले उन्हें दी है, अब आप थोड़े से डिटैच हो गए हो, या फिर अब आप उस हिसाब से उन्हें एनर्जी नहीं दे रहे हो। देखिए आपके पर्सन को बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ तो समझ में आ रही है कि उन्हें काफी ज्यादा अपने आप को बदलने की जरूरत है इस रिलेशनशिप को लेके, उन्हें अवेयरनेस है उस रिलेशनशिप को लेके, कहीं ना कहीं उनकी अवेकनिंग हो चुकी है। ये भी हो सकता है कि इनिशियली जो ये कनेक्शन था या फिर ये जो रिलेशनशिप था सिर्फ एक पैशन के बेसिस पे था, सिर्फ एक डिजायर के बेसिस पे था, लेकिन अब जाके लव ग्रो हो चुका है, या अब जाके प्यार डेवलप हो चुका है, अब जाके आपके पर्सन स्टेबिलिटी देख रहे हैं इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में, और वो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म एंड लाइफ टाइम स्टेबिलिटी देख रहे हैं इस कनेक्शन को लेके। तो आपके पर्सन को पता है अगर इस कनेक्शन में आना है, प्रोग्रेस करनी है, ग्रो करना है, तो बहुत ज़्यादा अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, या फिर थोड़ा सा आपको बदलने की ज़रूरत है और इस रिलेशनशिप में कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है, लॉट ऑफ एडजस्टमेंट्स। ये चीज़ तो बिल्कुल सही है, आपके पर्सन के पास थोड़ी सी स्ट्रेंथ की कमी है, लेकिन वो धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ को गैदर कर रहे हैं। अगर आपके पर्सन के अंदर कुछ कमियां हैं इस रिलेशनशिप को लेके, तो मुझे लगता है शायद वो कमियां भी दूर कर रहे हैं डिस्पाइट ऑफ देयर कंडीशन सिचुएशन और वॉट एवर। ठीक है, आपके पर्सन स्लोली स्लोली आगे बढ़ना चाहते हैं, और मतलब धीरे 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 प्रोग्रेस करना चाहते हैं, चाहते तो सॉरी फास्ट है, लेकिन प्रोग्रेस धीरे धीरे ही वो कर पाएंगे क्योंकि उनकी सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। आपके पर्सन ना देखिए स्नीकी एनर्जी में, हो सकता है पास्ट में आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है, इस चीज का भी उन्हें गिल्ट है, क्यों धोखा दिया है या फिर धोखा दे रहे हैं, बट कहीं ना कहीं स्नीकी एनर्जी है आपके पर्सन की, और इस वजह से भी आपके पर्सन ने अभी अपने आप को ना आइसोलेट किया हुआ है, और देखिए रो रहे हैं। वो बोलते हैं ना कि जब हम गलत करते हैं हमें और हमारे भगवान को तो पता ही होता है हमने गलत किया है, और जब उस चीज का एहसास होता है तो सिर्फ पछतावा रह जाता है। वही चीज आपके पर्सन बहुत ऑनेस्ट, या फिर बहुत यही कहूंगी ऑनेस्ट, क्योंकि यहाँ पे लॉयल या फिर डिसलॉयल्टी के तो कोई कार्ड नहीं आया है, लेकिन आपके पर्सन कुछ चीज़ों में लेके आपको ऑनेस्ट नहीं है, कुछ तो गलत किया है इन्होंने आपके साथ, या फिर कुछ ट्रिक करने की कोशिश करी हो आपको और अभी सिर्फ पछतावा हाथ में रह गया हो। गेम प्लेयर हो सकते हैं आपके पर्सन, अभी ये इनकी एनर्जी है लेकिन पछतावे वाली, रोने वाली, या आपके पर्सन का दिल कहीं जा रहा है, दिमाग कहीं जा रहा है, दिल कुछ बोल रहा है, दिमाग कुछ और बोल रहा है। आप दोनों में ना ये टोटालिटी का कार्ड ये बताता है कि आप दोनों में यूनियन रीयूनियन होते होते रह जाता है। देखिए ये पकड़ ही नहीं पा रहे, अभी भी देखिए इनमें गैप है। आपके पर्सन आपको कुछ ना कुछ ऑफर करना चाहते हैं, कुछ कुछ
उनके सर पर जो बोझ है उसको उतारना चाहते हैं, या फिर कुछ आपको बताना चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं। हालांकि ये तो ऑफर ही बताता है, कहीं ना कहीं थोड़ा सॉलिड ऑफर बताता है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा सॉलिड, ताकि थोड़ी स्टेबिलिटी आए आपके अंदर और इस रिलेशनशिप के अंदर और आपके पर्सन के अंदर इस कनेक्शन को लेके। लेकिन वो चीज हो ही नहीं पा रही है। और क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि आपके पर्सन के अंदर स्ट्रेंथ की कमी है, करेज की कमी है। लेकिन आपके पर्सन करेज को कहते हैं ना डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर वो करेज को नहीं डेवलप करेंगे तो ये कनेक्शन ग्रो नहीं होगा। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये कनेक्शन शायद आपके पर्सन की वजह से ही रुका हुआ है। वही एक वो खुद ही सबसे बड़े ऑब्स्टेकल्स है इस रिलेशनशिप में। ये भी हो सकता है, देखिए इसके पीछे रीजन हो सकता है द चैरियट का कार्ड है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर देखो दिस कार्ड शोज लॉट ऑफ डिफरेंसेस ऑल्सो, या फिर आप दोनों में डिफरेंसेस ज्यादा हो सकते हैं इसलिए इनमें करेज की कमी है। थोड़ा सा वो फीलिंग आती होंगी ना कि चलो आज तो ठीक है, आज हम कनेक्शन में आ जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि आप भी उनसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन कल उन्होंने कल आपने उनको छोड़ दिया। तो बहुत सारे फियर्स भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं, एंड हो सकता है आपके पर्सन पास्ट में किसी हार्टब्रेक से गुजरे हों, इसकी वजह से वो वापस से इस चीज़ से नहीं गुजरना चाहते, इसलिए भी स्ट्रेंथ एंड करेज की कमी है, इसलिए भी देखिए इस तरीके का बिहेवियर उन्होंने आपको किया है, आपके साथ किया है। सॉरी, ये जो कार्ड ना तब भी आता है जब हम हमारी कुछ नेगेटिविटी को सामने वाले पे प्रोजेक्ट करते हैं। यहाँ पे हो सकते हैं आपके पर्सन ने कुछ कुछ प्रोजेक्ट किया हो आप पे, उनकी कुछ नेगेटिविटी हो सकती है, किसी तरीके से आपको हैंडल करने की कोशिश करी हो, किसी तरीके से आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी हो, है ना? या फिर आपके पर्सन कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक है जिसके बारे में उन्होंने आपको बताया ही नहीं, उन्होंने अपनी लाइफ का ट्रुथ आपको नहीं बताया, बहुत सारी चीजें उन्होंने आपसे छुपा के रखी हैं, ये भी हो सकता है। आप में से कोई एक डिफरेंट रिलीजन का हो सकता है, डिफरेंट कंट्रीज में रहता हो, डिफरेंट स्टेट में रहता हो, या डिफरेंसेज हैं, दिस कार्ड शोज लॉट ऑफ डिफरेंसेज। लेकिन आपके पर्सन देखिए करेज गैदर कर चुके हैं, या फिर कर रहे हैं धीरे धीरे। आपके पर्सन को इस रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहिए, आपके पर्सन विक्ट्री पा के आगे बढ़ना चाहते हैं और आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ से देख लेते हैं उनके मैसेजेस क्या हैं। भगवान जी प्लीज गाइड करिए, कलेक्टिवली मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई एम नॉट येट रेडी, आपके पर्सन अभी भी रेडी नहीं है, मतलब वेट करिए आप। आई लव योर स्मेल, ओके, आई नो यू स्टिल लव मी, शायद फिर यही मतलब है। आप दोनों के बीच में ज्यादा बातचीत नहीं हो रही है, या फिर बहुत सरफेस लेवल पे बातचीत हो रही है। आई लव योर सेंस ऑफ ह्यूमर, गुड, देर इज थर्ड पार्टी इन्वॉल्व, मुझे लगा ही था ये कार्ड देखे ना थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। जरूरी नहीं है कि ये कोई दूसरा पर्सन हो, ये उनके फाइनेंसेस हो सकते हैं, उनके करियर हो सकते हैं, एक्चुअल में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, या आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, यू डोंट नो वॉट यू डू टू मी, आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, यू आर ए प्योर सोल, वेरी नाइस, आई कैंट शेयर यू, आई कैंट रिप्लेस यू विद एनीथिंग और एनी वन, हाई लेवल ऑफ ऑब्सेशन, नाउ आई कैन कनेक्ट ऑल डॉट्स ऑफ आर जर्नी। अभी उन्हें समझ में आ रहा है इस कनेक्शन के बारे में जो पास से चलता आ रहा होगा, तब उन्हें नहीं समझ में आता होगा कि ऐसा क्यों है, बट अभी आपके पर्सन उस चीज को कनेक्ट कर पा रहे हैं। द रियल मी माई डिसअपॉइंट योर फैंटेसी, छुपे रुस्तम तो है वो, थोड़े से अलग भी है वो। आई एम सो सॉरी, आप बोलोगे मैडम मेरे पर्सन के बारे में आप ऐसा बोल रहे हो, बट मैं नहीं बोल रही हूँ, कार्ड्स बोल रहे हैं, है ना? आप अपने पर्सन को अच्छे से जानते ही नहीं है तभी ये कार्ड आया है। आई एम बैडली स्टक, कोई ना कहीं स्टक तो है, फंसे हुए तो है, तभी आपकी तरफ कोई कॉल नहीं ले रहे, लेजीनेस का कार्ड आ रहा है। मतलब इस समय आप इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो, इस समय आपके जो पर्सन की जो एक्चुअल उनकी स्थिति है, जो उनकी परेशानियां हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई एम वॉकिंग टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, यस, जब इंसान बैडली स्टक होता है तो एक ही रास्ता होता है भगवान जी, तो वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, देखिए इसको क्लैरिफाई किया है इस कार्ड ने, ठीक है, सॉरी इस कार्ड को क्लैरिफाई किया है इसने,
ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे लग रहा है। फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी रीडिंग। आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होंगी। मेरी रीडिंग आपको पसंद आई तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखें एंड वहाँ से आपको अच्छी गाइडेंस मिले। थैंक यू।